आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी, जो कि बहुत ही आसान तरीकों से बनती है। पाव भाजी बनाने के लिए आलू, शिमला मिर्च, प्याज, मटर, गोभी, कद्दू, लौकी सब हमने कुकर में बॉयल कर लिया है 5 सीटी लगा के। अब हम उसको मैश कर ले रहे हैं आलू मैशर से, या जिससे भी आपकी मर्ज़ी हो उसे मैश कर लें, थोड़ा महीन कर लें। और हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा सबको मिक्सी में पीस के उसको महीन कर लिया है। देखिए मैंने मैशर से महीन कर लिया है सब्जियों को। अब हम कढ़ाई में तेल, घी डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे या मक्खन डालें जो अब भी आपको अच्छा लगे। जीरा डालेंगे, जीरे में हम प्यूरी डालेंगे, टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक की जो मैंने बनाई थी उसको पका लेंगे 5-10 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हमने एक प्लेट में हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला, खटाई मसाला, धनिया, कसूरी मेथी रखी है और पाव भाजी मसाला, जो कि एक बड़ा चम्मच डालना है क्योंकि हम पाव भाजी बना रहे हैं इसलिए पाव भाजी मसाला सबसे ज़्यादा पड़ेगा। पाव भाजी मसाला हम डाल देते हैं। उसके बाद प्लेट में जो मैंने सब कसूरी मेथी, हल्दी, मिर्चा, खटाई, चाट मसाला सब रखा था वो सब मैंने डाल दिया, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा चम्मच, और उसको 10 मिनट तक भून लेंगे सारे मसाले को। देखिए हमारा मसाला करीब करीब भून चुका है। हम चलाते जा रहे हैं, फ्लेम हमेशा स्लो रखेंगे नहीं तो जल सकता है। अब हम सब्जियां डाल देंगे जो मैंने महीन की थी। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इसको चला देंगे और नींबू डाल देंगे, 1 नींबू डाल देंगे, मैंने आधा डाला, आधा और डालूंगी। नींबू डाल दिया मैंने। और इसको आलू मैशर से और महीन कर लेंगे। अगर आपको पाव भाजी रेड बनानी हो तो कलर डाल दीजिए, नहीं तो बीट रूट डाल दीजिए, चुकंदर जब आता है उससे कलर आपका लाल हो जाएगा। हमने चुकंदर डाला है। अब हम एक पैन में मक्खन गरम करेंगे, पाव रखेंगे, पाव भाजी मसाला ऊपर से डालेंगे और हरी धनिया डालेंगे और उसको अच्छे से सेक लेंगे। हल्का सा रेड हो जाए बस आप उतार लीजिए। देखिए हमारा पाव सिक चुका है। देखिए हमारा पाव भाजी बनके तैयार है। इंजॉय करिए।